गांधी जी के आशीर्वाद आप ही पर आने वाले हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी असहिष्णुता, हिंसा, अत्याचार, कानून व्यवस्था में कोताही, ये उसकी सरकारों की पहचान बनी रही है। आज सामान्य मान भी सुरक्षित नहीं है। कर्नाटक के अंदर लोकायत पर हमला हो जाए, कर्नाटक के पुलिस अफसर खुद सरकार को चिट्ठी लिखे, कानून व्यवस्था को लेकर के चिंता व्यक्त करे, इससे अधिक बुरा, अधिक बुरे हाल क्या हो सकते हैं। हमारी बेटियों की रक्षा करना, जिस प्रकार से यहां कर्नाटक में बेटियों पर जुल्म हुए हैं, मीडिया में वो खबरें दिखाई दे या ना दिखाई दे, सोशल मीडिया में जिस प्रकार से लोगों ने जानकारियां पहुंचाई है, ये चौंकाने वाली है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे देश की बेटियों को रक्षा देने के लिए राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को दंडित करने के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। बलात्कारियों को फांसी के मंच पर चढ़ा दिया जाएगा, फांसी पर उनको लटका दिया जाएगा, और न्याय जल्दी से जल्दी मिले, ये फैसला हमने किया है। और आप जानते हैं, हम निर्णय करते हैं तो उसको लागू कर करके ही रहते हैं। भाइयों बहनों, माफियाओं की कथाएं तो बहुत सुनी है, और कर्नाटक में हर इलाके में माफियाओं की बिरादरी चली है, लेकिन अब एक नया खेल, सैंड माफिया, उडुपी वाले बराबर जान जाते हैं, हाईकोर्ट को, कर्नाटक की हाईकोर्ट को कठोर टिप्पणी करनी पड़ी सरकार के खिलाफ। और गरीब आदमी को घर बनाना हो, दो बोरे बालू चाहिए तो उसको ब्लैक में लाने के लिए मजबूरी करें, यहां तक इस सैंड माफियाओं ने अपने हाथ पर पथा रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये सैंड माफियाओं के पीछे सत्ता में बैठे हुए लोगों का सहारा है कि नहीं है, उनके आशीर्वाद है कि नहीं? अरे जो आपकी बालू भी लूट जाते हैं, वो आपका कुछ बचने देंगे क्या? ये लूट करने की सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हमेशा हमेशा के कर्नाटक को ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपको आग्रह करने आया, कैसी सरकार जो माफियाओं को पालती है, कानून व्यवस्था को पी जाने की आदत रखने वाले लोग मुखिया बन के बैठे हो। तो भाइयों बहनों, कर्नाटक की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी, यही एक मौका है कर्नाटक को बचाने का। ये हमारा उडुपी, जब भी कर्नाटक में शिक्षा की चर्चा आती है, दसवीं की एग्जाम हो, बारहवीं की एग्जाम हो, शानदार शानदार परिणाम किसका आता है? पूरे कर्नाटक में आज
आन बान शान किसकी है, उडुपी की है कि नहीं है। और मजा देखिए, कभी भी उडुपी के नौजवान इतने होनहार है, शिक्षा में पराक्रम करने वाले लोग हैं, पूरे कर्नाटका में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन कभी भी उडुपी की एग्जाम सिस्टम में कुछ गलत हो रहा है ऐसी एक भी खबर कभी सुनने को नहीं मिली। गर्व होता है आज के कालखंड में ये उडुपी जैसी पवित्र जगह से हमारे नौजवान इस प्रकार का जीवन जीते हैं तो देश का हौसला बुलंद हो जाता है दोस्त, गर्व होता है। मैं उन माताओं पिता को, उन शिक्षकों को, उन स्कूलों को, उडुपी के नौजवानों को आदरपूर्वक धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, लेकिन इतनी पढ़ाई, इतने होनहार परिणाम, लेकिन जैसे ही 20-22 साल की उम्र हो जाए, बूढ़े माँ बाप को यहां से छोड़ करके कहीं बेंगलुरु जाना पड़ता है, कहीं कर्नाटक के बाहर जाना पड़ता है, रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं और जाना पड़ता है। क्या उडुपी के आसपास विकास करके यहाँ के लोगों को रोजगार यहाँ नहीं दिया जा सकता? क्या यहाँ के समुद्र तट की शक्ति ब्लू रिवॉल्यूशन के द्वारा यहाँ के लोगों के जीवन में रोजगार नहीं दिया जा सकता है? लेकिन भाइयों बहनों, ये सरकार ऐसी है, इनके इरादे ऐसे हैं, इनकी आदत ऐसी है कि वे कभी भी इस परिवर्तन के पक्ष में कभी होते नहीं है। उनकी तो आदत है अटकाना, लटकाना, भटकाना, चीजों को रोक रखना, विकास के अंदर कोई भी चीज आगे ना बढ़े। 5 साल में भारत सरकार ने कदूर, चिकमंगलूर, सकलेशपुर रेल लाइन का प्रोजेक्ट, 20 साल हो गए, लेकिन 90 किलोमीटर की रेल लाइन 16 साल के बाद कडूर से चिकमंगलूर तक आधा काम पूरा कर पाई। आप मुझे बताइए, अगर सरकार जमीन तक ना दे पाए, भारत सरकार कितने ही पैसे लगाए, क्या विकास हो सकता है क्या? ये वही सिंचाई परियोजना क्या हुआ, 40 साल हो गए, कितने मुख्यमंत्री आके गए, कितनी सरकारें आके गई, जब जब कांग्रेस आई काम थोड़ा आगे बढ़ा रोक दो, थोड़ा आगे बढ़ा रोक दो। पानी के संबंध में ऐसी उदासीन सरकार हमने कभी नहीं देखी। भाइयों बहनों, कर्नाटक के पास समृद्ध कोस्टल इलाका है, समुद्री तट है, और हम तटीय विकास के पक्ष के हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट के द्वारा हम हिंदुस्तान के समुद्री तट के विकास की ओर काम करना चाहते हैं। हम हमारे फिशरमैन के लिए नए हार्बर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उडुपी के आसपास रेल के 2 नए स्टेशन ऑलरेडी काम चल रहा है, वो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। तटीय कर्नाटक को उडुपी के में रेलवे बिजलीकरण का काम आज तेज गति से चल रहा है, और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा उडुपी को देश के अन्य भागों से तत्काल जोड़ने का काम ये हमारी प्राथमिकता रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अगले 2 वर्षों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश नौजवानों को नए रोजगार के अवसर पैदा करने वाला है। भाइयों बहनों, विकास के अनेक प्रोजेक्ट लेकर के आज हम
मछुआरों के जिंदगी को बदलने के लिए काम कर रहे हैं, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे समय आपका ये उत्साह उमंग आने वाले 10-11 दिन आपके पास है, घर घर जाना है, एक एक मतदाता को मिलना है, हर मतदाता के भविष्य को कर्नाटक के भविष्य के साथ जोड़ना है और भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबाने के लिए बटन दबाने तक ले जाना आपका काम है, पोलिंग बूथ तक ले जाना आपका काम है। और आप सब इस काम को आगे बढ़ाएंगे और येडियुरप्पा जी के मुख्यमंत्री पद में हम कर्नाटक में नई सरकार बनाएंगे, दिल्ली की सरकार कर्नाटक के साथ कंधे से कंधा मिलने लेकर के चलने के लिए तैयार है। आप दो कदम चलेंगे तो हम पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। कर्नाटक की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए दिल्ली की सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा लेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। भाइयों बहनों, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित कर्नाटका निर्मी सोना, बन्नी एलरू कैजोडीसी सरकार बदली सी, बीजेपी गिल्ली सी, सरकार बदली सी, सरकार बदली सी, सरकार बदली सी, सरकार बदली सी। एल्लरिगू नमस्कार गलो। भारत माता की। ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ